नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद खास माना जाता है। प्रदोष व्रत माह में दो बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित इसमें शिवजी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें, साल 2020 के वैसाख मास में ये व्रत 20 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार के पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जिस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये प्रदोष व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी काया का वरदान मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव इस व्रत को रखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ति का वरदान उन्हें देते हैं। ये व्रत शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए अच्छा माना गया है। तो चलिए आपको बता दें सोम प्रदोष व्रत का मुहूर्त। सोम प्रदोष व्रत 20 अप्रैल प्रातःकाल 12:42 से 21 अप्रैल सुबह 3:11 तक रहेगा। इस दिन व्रत को करने वाले श्रद्धालुओं को प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद उसे अपने हाथ में जल लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। व्रती को इस दिन फलाहार पर ही रहना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में मुहूर्त के समय भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उन्हें गंगा जल, अक्षत, पुष्प, धतूरा, धूप, फल, चंदन, गाय का दूध, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव चालीसा का पाठ और अंत में भगवान शिव की आरती करें। पूजा करने के बाद लोगों के बीच प्रसाद बांटें। रात को जागरण और अगले दिन सोमवार को स्नान करके महादेव का पूजन करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा और पारण करके अपने व्रत को पूरा करें। ध्यान रखें, इस दिन मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल ना करें, किसी की निंदा ना करें, माँ बाप और बड़ों का निरादर ना करें। इस दिन भगवान शिव की परिवार सहित पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती। इस व्रत को करने से कलह से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को पूरी विधि अनुसार करने से व्यक्ति को कभी कोई रोग नहीं होता। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।